नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको सुना रही हूँ शिव पुराण गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। बोलो हर हर महादेव की जय हो। गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन 19वां अध्याय। बोलो हर हर महादेव की जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार गणेश जी के जीवित होने पर सब और आनंद छा गया। सभी बहुत प्रसन्न थे। सभी देवता उन्हें विभिन्न प्रकार के वरदान प्रदान कर रहे थे। तब ईश्वरों के ईश्वर महादेव जी भी गणेश पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाकर बोले, हे गिरिजा नंदन, तुम मेरे दूसरे पुत्र हो। तुम्हें न पहचानने के कारण तुम्हारा यह अपमान हुआ है, इसलिए मेरे भक्तों ने तुम पर आक्रमण किया, परंतु आज से कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। बोलो हर हर महादेव की जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय हो। तुम सभी के पूजनीय और वंदनीय होंगे। तुम साक्षात जगदम्बा के तेज से उत्पन्न होने के कारण परम तेजस्वी और पराक्रमी हो। तुम्हारी वीरता और साहस का लोहा इस संसार में हर प्राणी मांगेगा। आज से तुम मेरे सभी शिव गणों के अध्यक्ष हो। ये सभी तुम्हारे आदेशों का ही पालन करेंगे। आज से तुम गणपति नाम से भी जाने जाओगे। यह कहकर सर्वेश्वर भगवान शिव दो पल के लिए मौन हुए और फिर बोले, हे गणपति, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को देवी पार्वती के निर्मल हृदय से चंद्रमा के उदय के समय हुआ है। इसलिए आज से इस दिन जो भी पूरी भक्ति भावना से तुम्हारा स्मरण करके व्रत करेगा, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मंगसीर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके व्रत करें। धातु मूंग या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात मूर्ति की दिव्य गंधों चंदन एवं सुगंधित पुष्पों से पूजा करें। रात्रि में 12 अंगुल लंबी 3 गांठ वाली 101 दुर्वाओं से पूजित करना चाहिए। उसके बाद धूप दीप नैक्य ताबुल अर्घ देकर गणेश जी की पूजा करें। बाद में बाल चंद्रमा का पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं। स्वयं बिना नमक का ही खाना खाएं। इस प्रकार इस उत्तम गणेश चतुर्थी व्रत को करें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो अक्षय पार्वती मैया की जय हो। जब व्रत करते करते एक वर्ष पूरा हो जाए, तब भक्ति भावना से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का उद्यापन करते समय पहले से स्थापित कलश के ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखें। वेदी तैयार कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर हवन करें। तत्पश्चात मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों व 2 बालकों को बिठाकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। फिर उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराएं। पूरी रात उनका भक्ति भाव से जागरण करें। सुबह होने पर गणेश जी का पुनः पूजन करें। पूजन करने के पश्चात उनका विसर्जन कर दें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। फिर बालकों से आशीर्वाद लेकर उनसे स्वास्थ्य वाचक कराएं और व्रत को पूर्ण करने हेतु श्री गणेश जी को पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करें। हे गणेश, इस प्रकार जो श्रद्धापूर्वक उत्तम भक्ति भाव के साथ तुम्हारी शरण में आएगा और तुम्हें रोज पूजेगा, उसके सभी कार्य सफल हो जाएंगे तथा उसे सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होगी। गणेश का पूजन सच्चे मन से सिंदूर चंदन चावल और केतकी के फूलों से करने वाले की सभी विघ्नों को कलेशों का नाश हो जाएगा। बोलो गणपति भगवान की जय हो। उस मनुष्य के अभीष्ट कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। यह गणेश चतुर्थी व्रत सभी स्त्री एवं पुरुषों के लिए श्रेष्ठ है। विशेषतः जो मनुष्य अभ्युदय की इच्छा करते हैं
उसे उत्तम भक्ति भावना से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं और कामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को इस श्रेष्ठ व्रत को पूरा करना चाहिए, पूरा कर तथा सदैव तुम्हारी भक्ति भाव से आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को सभी मनुष्यों तथा देवताओं द्वारा पूजित होने का उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। वे सभी भक्ति रस में डूबकर शिव पार्वती पुत्र गणपति की आराधना करने लगे। बोलो गणपति भगवान की जय हो, बोलो गणपति भगवान की जय हो। यह देखकर देवी पार्वती की खुशी की कोई सीमा न रही। वे देवताओं को अपने पुत्र गणेश का पूजन करते देख मन ही मन भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उनका धन्यवाद कहने लगी। उनका सारा क्रोध पल भर में ही शांत हो गया। उस समय सभी दिशाओं में सुमधुर धुंधभिया बजने लगी। अप्सराएं सहर्ष नृत्य करने लगी। सुंदर मंगल गान होने लगे तथा श्री गणेश जी पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अपने पुत्र को गणाधीश बनाए जाने पर माता पार्वती फूली नहीं समा रही थी। बोलो पार्वती माता की जय हो। उस समय चारों ओर उत्सव होने लगा। बोलो शिव पार्वती भगवान की जय हो, बोलो गणपति भगवान की जय हो। तत्पश्चात उस समय वहां उपस्थित समस्त देवता और ऋषि मुनि उस स्थान के निकट गए जहां भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ विराजमान थे। देवताओं और ऋषियों ने भक्ति भावना से उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। फिर शिव जी से विदा लेकर सब अपने अपने धामों को चले गए। फिर मैं और श्री हरि भी उनसे विदा लेकर अपने लोगों को लौट गए। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से सावधान होकर इस परम मंगलकारी कथा को सुनता है वह सभी मंगलों का भागीदार हो जाता है। यह गणेश चतुर्थी व्रत की उत्तम कथा पुत्रहीनों को पुत्र, निर्धनों को धन, रोगियों को आरोग्य, अभागों को सौभाग्य प्रदान करती है। जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया हो गणेश की आराधना के प्रभाव से पुनः उसके पास लौट आता है। दुखों और शोकों में डूबा हुआ मनुष्य इस उत्तम कथा को सुनकर शोक रहित होकर सुखी हो जाता है। जिस मनुष्य के घर में श्री गणेश की महिमा का वर्णन करने वाले उत्तम ग्रंथ रहते हैं उस घर में सदा मंगल होता है। श्री गणेश की कृपा अपने भक्तों पर सदा रहती है और वे अपने भक्तों के कार्य में आने वाले सभी विघ्नों का विनाश कर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो गणपति भगवान की जय, बोलो शिव पार्वती भगवान की जय हो, बोलो हर हर महादेव की जय हो, बोलो हर हर महादेव की जय।